भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और मैं पिछले मार्जिन से भी ज्यादा वोटों से जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मेरे हिसाब से काफी काम रह गया है, वो मैं करना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आखिरकार बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई। बीजेपी ने होली की शाम लिस्ट का ऐलान किया। पहली लिस्ट में जिनके नाम आए उनकी तो होली बन गई, शाम रंग और गुलाल से और भी रंगीन हो गई। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सबसे चौंकाने वाला नाम अमित शाह का आया, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से अब तक लाल कृष्ण आडवाणी जीत कर आते रहे हैं। 19 का चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता एक बार जीत ले, 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समझ। बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, जो इस बार फिर वाराणसी से मैदान में होंगे। बीजेपी ने आडवाणी को छोड़ सभी बड़े चेहरों को टिकट से नवाजा। नरेंद्र मोदी वाराणसी, अमित शाह गांधीनगर, राजनाथ सिंह लखनऊ, नितिन गडकरी नागपुर, स्मृति ईरानी अमेठी, हेमा मालिनी मथुरा, वीके सिंह गाजियाबाद, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जितेंद्र सिंह उधमपुर, किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट, अनंत हेगड़े उत्तर कन्नड़ कर्नाटक, केजे अल्फोंस एनारकुलम केरल, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, राज्यवर्धन राठौर जयपुर ग्रामीण, दुष्यंत सिंह झालावाड़, बैजन जय पांडा केंद्रपाड़ा, दिलीप घोष मिदनापुर, बाबुल सुप्रियो आसनसोल, पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिनमें 3 जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 1 मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप से। एमएम वॉर बारामूला जम्मू कश्मीर, खालिद जहांगीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, सोफी यूसुफ अनंतनाग जम्मू कश्मीर, अब्दुल खादिर लक्षद्वीप। जितना काम किया है बहुत अच्छा किया है मैंने, यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी काम रह गया है, वो मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली सूची में नाम आया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका प्यार और उनका समर्थन है। लगभग 50,000 करोड़ के काम अपने इस क्षेत्र में हम ले आए हैं, तो मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता को कोई शिकायत नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुए। बीजेपी ने बिहार के 17 नाम भी तय कर लिए हैं, लेकिन इसका ऐलान कल तक के लिए टाल दिया गया है। इन नामों की घोषणा गठबंधन के सहयोगियों के साथ होगा। तो अब बीजेपी की ओर से भी 2019 का बिगुल बज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।